हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 19 को, जिसका नाम है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो हम सभी को पता होता है कि डाटा क्या है, क्योंकि हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो डाटा पे कोई फैक्ट्स होते हैं, कोई नंबर होते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कलेक्ट करी जाती है किसी डिसीजन को लेने के लिए। तो इस चैप्टर में देखेंगे हम कि उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह एनालाइज करते हैं और किस तरह उस एनालाइज के बेस पे अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होता क्या है कि इसमें हम डाटा को उसके करेक्टर्स के हिसाब से, उसकी क्लासेस के हिसाब से, उसके ग्रुप्स के हिसाब से या उसकी किसी भी सेम फीचर्स के बिहेव पे उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं कुछ ग्रुप्स में। तो मतलब डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना किसके बेस पे, चाहे उनकी क्लास के बेस पे आप डिवाइड कर रहे हो, चाहे उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पे डिवाइड कर रहे हो, चाहे उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिवाइड कर रहे हो। तो क्लासिफिकेशन मतलब है कि डाटा को उनके करेक्टर्स के हिसाब से, उनकी वैल्यूज के हिसाब से कोई भी बेस रखकर आप उनको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स में। नॉर्मली जो हम डिवाइड करते हैं डाटा को, वो चार तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली बेस लेते हैं हम, या पहला जो मेथड होता है इसको डिवाइड करने का, क्लासिफिकेशन करने का इस डाटा को, वो होता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन। तो मतलब इसमें होता है कि हम क्वालिटी के बेस पे डाटा को क्लासिफाई करते हैं। मतलब किसी डाटा की किसी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उसको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। अगर किसी डाटा की, कह सकते हैं हमें अभी एक्यूरेसी नहीं पता है उस डाटा के बारे में, तो उसको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पर मतलब उसकी क्वालिटी को चेक कर, क्वालिटी को बेस लगाकर उस डाटा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी होती है इसमें जो टाइप्स आपके क्लासिफिकेशन की, वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखते हैं जो डाटा से हमें रिजल्ट मिल रहा है, वैल्यूज मिल रही है, उनकी क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा की, क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं। तीसरा होता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब एक सीक्वेंस में किसी चीज को क्लासिफाई करना। मतलब सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया में या वर्ल्ड में कहते हैं कि पहले आपकी, आपका यूनिवर्स बना, उसके बाद डायनासोर आए, उसके बाद फिर आपके होमोसेपियंस आए। तो इस तरह की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में चीज चल रही है। तो डाटा को इस तरह अरेंज करना, मतलब कोई पहली चीज, फिर उसके बाद दूसरी चीज, उसके बाद तीसरी चीज, मतलब एक सीक्वेंस में उन चीजों को क्लासिफाई करना, तीसरा इसमें ये होता है। और चौथा होता है ज्योग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन, मतलब उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से उन इन्फॉर्मेशंस को डिवाइड करना। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि किस तरह हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं टेबुलेशन की, क्योंकि एनालाइज में हम क्लासिफाई करते हैं फिर उसे टेबुलेशन करते हैं। तो टेबुलेशन रेफर्स टू अ लॉजिकल डाटा प्रेजेंटेशन वेरिंग इन रॉ मटेरियल इज समराइज्ड एंड डिस्प्लेड इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, एग्जाम्पल इन स्टैटिकल टेबल्स। इन अदर वर्ड्स, इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो दैट रिप्रेजेंट्स डाटा इन कंसाइज एंड अट्रैक्टिव वे। वन शुड फॉलो द गिवन गाइडलाइंस फॉर टेबुलेशन। तो टेबुलेशन क्या होता है, जब आपके पास कोई डाटा है उसको आप एक डाटा की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं किसी और के सामने। मतलब एक कह सकते हैं कि आप स्टैट्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसे ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसे मीन मीडियन मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बना रहे हैं अपने डाटा से रिलेटेड। मतलब आप अपने डाटा को रोज कॉलम्स का यूज करते हैं या किसी ग्राफ का यूज करते हैं, विजुअल उसे विजुअल डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू उसको आप इजिली समझ सकें, उसको इजिली एनालाइज किया जाए। तो वो होता है आपका टेबुलेशन, मतलब अपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना या स्टैटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना रोज और कॉलम्स में। तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं ये डिफरेंस के बेस पे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और टेबुलेशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम वहां बात करें पीछे तो शायद आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुप डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बिहेवियर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि हम ग्रुप को, इसमें डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनके करेक्टर्स के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से, उनके कोई भी कॉमन करेक्टर के हिसाब से। लेकिन अगर हम टेबुलेशन की बात करें तो टेबुलेशन के अंदर जो हमारे पास डाटा होता है, हम उसको स्टैटिक्स टेबल में कन्वर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको रोज और कॉलम में कन्वर्ट कर सकें। अब दूसरा होता है आपका जो क्लासिफिकेशन का काम होता है, ये होता है आपका आफ्टर डाटा कलेक्शन। मतलब जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उस डाटा को क्लासिफाई करना। लेकिन अगर टेबुलेशन की बात करें तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन के बाद, मतलब जब आपने डाटा को क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद आप उसका टेबुलेशन करते हैं। अब अरेंजमेंट की बात करें तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसमें हम एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स देखते हैं।
उन्हें हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, उनको किस बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। तो उनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं, उनके बिहेवियर देखते हैं, उनके वेरिएबल्स देखते हैं। लेकिन अगर हम टेबुलेशन की बात करें तो इसमें हम सिर्फ दो चीजों का यूज करते हैं, रोज और कॉलम्स का। अब पर्पस देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, इसका जो पर्पस होता है कि डाटा को एनालाइज करना, मतलब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे किस काम का है और किस क्वालिटी का है। लेकिन अगर हम टेबुलेशन की बात करें तो टेबुलेशन का यूज करते हैं हम उस डाटा की प्रेजेंटेशन में या उस डाटा को प्रेजेंट करने में किसी और के सामने। अब बात करते हैं ब्यूरिफिकेट्स डाटा इंटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। तो आपका जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के अंदर। लेकिन अगर हम टेबुलेशन की बात करें तो इसके अंदर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर। तो आपका ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आ सकता है आपका कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरह या किन बिहाफ पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आप क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन क्या होता है। तो बात करते हैं डाटा एनालाइज की। तो डाटा एनालाइज होता क्या है कि डाटा एनालाइज इज अ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो मतलब जब हमने कोई डाटा को कलेक्ट किया, फिर उस डाटा को कह सकते हैं एकदम चेक करना, उसे एनालाइज करना, उसमें अगर कोई एरर है तो उस एरर को ठीक करना, उसे मॉडिफाई करना और उसे इस लेवल पे बनाना कि जिसका यूज कर हम अपने बिजनेस के डिसीजन को ले सकें। यही होता है आपका डाटा एनालिसिस। द पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस इज टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा एंड टेकिंग द डिसीजन बेस्ड अपॉन द डाटा एनालिसिस। तो इसका पर्पस यही होता है कि डाटा एनालाइज इसलिए करते हैं कि आपके पास जो डाटा है उसमें से आप अपने काम की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, वहां पर आप डिसीजन को ले सकें। तो डाटा एनालिसिस के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला होता है एडिटिंग। तो इसमें हम चेक करते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एडिटिंग के अंदर एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन किसी कस्टमर से पूछा लेकिन उसने उसका आंसर आपको क्लियर नहीं दिया या किसी बायस के बेस पे दिया, मतलब उसके माइंड में कोई पहले से एक अवधारणा थी किसी और के लिए, तो उस बेस पे वो आपको जो डाटा प्रोवाइड करेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो सबसे पहला होता है कि आपका जो डाटा है आप उसे चेक करें कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। फिर दूसरा होता है इनकरेक्ट आंसर। अब इनकरेक्ट आंसर में आप देख सकते हैं कि जैसे आपने कोई कस्टमर से ऑप्शन किया कि आप किस ब्रांड के बिस्किट्स को यूज करते हैं, तो वो कह दे हम एबीसी शॉप से जो भी बिस्किट्स परचेज करते हैं, तो आपने तो उससे पूछा कि आप किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं, लेकिन उसने क्या कहा, हम एबीसी शॉप से बिस्किट्स को परचेज करते हैं, कि डाटा गलत है। हो सकता है आपकी जो एबीसी शॉप है वो मल्टीपल टाइप्स के बिस्किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हो या सेल्स करता हो, तो वहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो गलत रहेगा, तो आपको वो भी चेक करना होता है। तीसरा होता है अनकम्प्लीटेड डाटा। अब कई बार आपके जो डाटा आपको मिलते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, वो हाफ डाटा होते हैं आपके पास, तो आपको चेक करना होता है कि आपके पास जो डाटा है क्या वो सुटेबल है आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या कंप्लीट है जिसके बेस पे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है मॉडिफाई इफ नीडेड। तो अगर आपका डाटा करेक्ट नहीं है, आपका डाटा इनकरेक्ट है, एक्यूरेसी नहीं है डाटा में, अगर वो अनकम्प्लीटेड है, तो इन चीजों में अगर कुछ भी होता है तो लास्ट स्टेप होता है कि उस डाटा को अपने नीड के हिसाब से, कह सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना। तो ये होता है आपका एडिटिंग में। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम कि उसकी एक्यूरेसी क्या है, हमारे जो हमने डाटा कलेक्ट किया है क्या हमने जो इंडिकेटर्स कस्टमर को दिए थे क्या कस्टमर ने उन्हीं इंडिकेटर्स को सेम वे में समझकर हमें जवाब दिया है या नहीं दिया है। अब दूसरा देखते हैं कि जो उन्होंने जवाब दिया है क्या वो जवाब सही है या नहीं है हमारी रिसर्च के हिसाब से। तीसरा होता है कि आपका जो डाटा है वो कंप्लीट है या नहीं है। और चौथा होता है अगर इनमें से कुछ भी इश्यूज आपके डाटा में तो उसे हम मॉडिफाई करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं चेक रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी की बात करें तो इसमें होता है कि हम देखेंगे कि वो डाटा ट्रस्टेबल है या नहीं है, मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि टाइम के साथ वो डाटा खत्म हो चुका है, उसकी जो यूज था उस डाटा का वो खत्म हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेन फंक्शन होता है कि इसमें जो आपका अनरिलायबल डाटा होता है आप उस डाटा को इसमें से खत्म कर देते हैं, आप इसमें से उसी डाटा को उठाते हैं, उसी डाटा को लेते हैं जो कि आपका रिलायबल डाटा हो, क्लियर डाटा हो। इसमें आपका जो डाउटफुल होते हैं उन चीजों को आप इसमें से हटा देते हैं। नेक्स्ट होता है बायस। बायस मतलब किसी
पहले से ही हमारी किसी रिलेटेड कोई अवधारणा बन रखी है और उसके बाद हम कोई उसको जवाब दें। अब हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फर्म का कह सकते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसके किसी कस्टमर से उसके बारे में बात करें कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्हें पता है, लेकिन वो उसी के एम्प्लॉई हैं, तो वो उसके बारे में एक अच्छा डाटा ही प्रोवाइड करेंगे, अच्छा फीडबैक आपको देंगे, चाहे उसका प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो। तो बायस में हमें देखना होता है कि जो आपका आपको जो रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर से, क्या वो किसी बायस के बिहाफ पे था या नहीं था। हो सकता है आपको जो उसने जवाब दिया, अपने जो रिस्पॉन्स दिया, वो किसी बायस के बेस पे उसने दिया हो। और लास्ट होता है डाटा कन्वर्जन। तो डाटा कन्वर्जन के अंदर जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, तो उस डाटा को अब आप कन्वर्ट करते हैं एक रिसर्च प्रोडक्ट और रिसर्च प्रोजेक्ट में। मतलब सबसे पहले आप अपने डाटा को चेक करेंगे, आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर टेबुलेशन कर लिया, फिर उसके बाद आते हैं आप उसको एडिटिंग के अंदर, उसके अंदर आप उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, इनकरेक्ट चेक करते हैं, अनकम्प्लीटेड डाटा को देखते हैं, अगर किसी में मॉडिफिकेशन की नीड होती है तो वो करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आपका जो डाटा है वो रिलायबल है या नहीं है, मतलब उस डाटा को आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, क्या वो आपकी रिसर्च के लिए वैलिडेट है या नहीं है। और इसमें अगर कोई ऐसा डाटा निकलता है जो इनएक्यूरेट होता है, अनरिलायबल होता है, तो आप उस डाटा को अपने डाटा एनालिसिस के मेथड से हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका बायस। बायस मतलब जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, कस्टमर से कोई रिस्पांस लिया जो हमने उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है कस्टमर ने किसी पहले की अवधारणा के बेस पे या पहले की थिंक के बेस पे अपना वो जवाब दिया हो। तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर जब हमें अपना रिस्पांस दे, हमें डाटा प्रोवाइड करे, तो बिना किसी बायस के बेस पर हमें डाटा प्रोवाइड करे। और लास्ट होता है फिर इन सारे डाटा को एक कह सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि हमने जब कन्वर्ट कर लिया डाटा को एक रिपोर्ट में, तो उस रिपोर्ट को हम किस तरह बनाते हैं, उसको बनाने से पहले क्या गाइडलाइंस होती हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग इज द फाइनल फेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसीड्यूर्स। इट इज द फंक्शन थ्रू विच फाइंडिंग ऑफ रिसर्च एंड कम्युनिकेटेड टू डिसीजन मेकर। तो इसमें होता है कि आपका एक लास्ट स्टेज होता है मार्केटिंग प्रोसीड्यूर्स का, इसके अंदर आप जो भी रिसर्च आपने करी है उसके अंदर उन इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, और आपके जो डिसीजन मेकर होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उन्हें बताते हैं उसके बारे में, आपने जो रिसर्च करी है उसके बाद आपको क्या डाटा मिला है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, कि जिसका यूज कर वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो देखते हैं कि गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहला हमारा होता है कि कंसिडर द रीडर। मतलब इसमें होता है कि मेक द रिपोर्ट क्लियर, मतलब आपको जो आपकी रिपोर्ट बनानी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें एक ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए जिससे कि जो रीडर्स हों उनको इजीली समझ सकें। अगर आपने कोई टेक्निकल टर्म्स यूज करी हैं तो उस टेक्निकल टर्म को आपको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आप कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, अपने मैनेजमेंट के लिए बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके पर्सपेक्टिव से इस रिपोर्ट को पढ़े, तो आपको सिंपल बनानी चाहिए। और अगर कोई टेक्निकल वर्ड आप यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, तो उसके बारे में आप क्लियर डिफाइन करना चाहिए। दूसरा होता है एड्रेस द इंफॉर्मेशन नीड। अब आपने जहां से अपनी रिसर्च को कलेक्ट किया है, आपने जैसे अगर हो सकता है आपने सर्वे मेथड से यूज करा, तो सर्वे आपने कहां पर करा, तो उन चीजों के बारे में आपको बताना होता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आपने अगर रिसर्च करी है तो इसके रिलेटेड जो आपका डाटा था आपने वो कहां से लिया है। क्योंकि जब तक आपका जो डाटा का सोर्स हमें पता नहीं लगता, हम ये नहीं सोच सकते कि उसकी जो एक्यूरेसी है, जो रिलायबिलिटी है, वो कैसी होगी। नेक्स्ट होता है बी ऑब्जेक्टिव। मतलब आप जो रिसर्च बनाते हैं, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही करें। आपका जो ऑब्जेक्टिव हो, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने रिसर्च करी है, अपनी रिपोर्ट को उसी तरह से, उसी पर्सपेक्टिव से राइट करें। नेक्स्ट होता है आप उसको किस तरह से लिखेंगे। तो आपको जो रिपोर्ट लिखनी होती है वो परसेंट टेंस में लिखनी होती है। दूसरा, उसमें आप मैक्सिमम इंग्लिश को ही यूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एक इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे ओवरऑल इंडिया में और कह सकते हैं मैक्सिमम यूज किया जाता है और हर कोई इसे इजिली समझ सकता है। आपका जहां पर आपका अपीयरेंस हो, गैप्स हो, वहां पर आप गैप दें, अपीयरेंस दें पैराग्राफ्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए। मिस्टेक्स और कटिंग्स को अवॉइड करें और यूज एक्टिव वॉइस। मतलब एक्टिव वॉइस जो आपके टेंस होते हैं उनका यूज करें। मतलब एक डायरेक्ट फॉर्म में जब आप किसी बात को बोलते हैं वो होता है एक्टिव फॉर्म। तो इन गाइडलाइंस को यूज करना चाहिए आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेट। हमने बात तो कर ली कि रिपोर्ट को लिखना किस तरह है, लेकिन उसका फॉर्मेट किस तरह होगा।
उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी चीज उठाइए, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे कोई बुक हो, हर चीज का एक प्रीएम्बल होता है जो उस बुक्स के बारे में, उस रिपोर्ट के बारे में एक शॉर्ट समरी प्रोवाइड करता है आपको। तो द प्रीएम्बल ऑफ रिपोर्ट सिंपली प्रेजेंट बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड अबाउट टू रिसर्च और आपके जो भी आपने एनालाइज किया है। तो आपका प्रीएम्बल क्या है, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं, एक रिपोर्ट होती है, शॉर्ट समरी होती है आपकी पूरी रिसर्च की, आपने वो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करी इस रिसर्च प्रोजेक्ट में उसके बारे में। तो इसके अंदर कुछ चीजों को कह सकते हैं इंक्लूड किया जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो लेटर ऑफ ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो रिसर्च थी वो किसको रिलेटेड लेकर, कि किसके लिए हमने उसको बनाया है और वो किसको प्रेजेंट कर रही है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई रिसर्च बना रहे हैं तो हम किसको डायरेक्टेड करेंगे, वो किसको देनी हमें वो रिपोर्ट, तो वो पता होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर कि ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई है। दूसरा होता है टाइटल पेज। तो इसके अंदर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च को तैयार करने का, टाइटल जो होता है आपकी रिपोर्ट का, वो होता है इसके अंदर आपका। इसके अंदर कंपनी का नाम हो सकता है, आपकी डिवीजन हो सकती है और आपके एड्रेस हो सकते हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मतलब टाइटल पेज में आपने जो रिसर्च करी है उसका शॉर्ट में, समरी में नाम क्या हो सकता है, किस बेस पे आपने रिसर्च करी है, आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपका नाम क्या है, आपका टेलीफोन नंबर, जिससे कि अगर कोई उस रिपोर्ट से रिलेटेड आपसे जुड़ना चाहे या आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आपसे बाद में कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट है टेबल एंड कंटेंट्स। तो टेबल एंड कंटेंट्स की बात करें तो हम अपनी रिपोर्ट में जिन भी टेबल्स को, कंटेंट्स को यूज करते हैं उसको हमें यहाँ पर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने अपनी टेबल में किन किन टेबल्स को और उसमें किस तरह के कंटेंट्स को यूज कर रखा है। क्योंकि प्रीएम्बल में एक तरह से हम कह सकते हैं शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या करा है। और नेक्स्ट होता है आपका द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड कर देते हैं अपने पूरे सर्वे के बारे में, कि हमने पूरा सर्वे करा, इसमें किन किन मेथड्स को यूज किया, कहां से डाटा कलेक्ट किया, क्या रिजल्ट मिला, किस तरह हमने उसे एनालाइज किया। तो ये होता है आपका प्रीएम्बल। तो दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा पॉइंट होता है द समरी ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजंस। तो इसके अंदर देखते हैं कि हमने उस रिसर्च से क्या एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब हमने कोई बिजनेस रिसर्च करी है तो उसमें क्या मिला है और उसका कंक्लूजन क्या हुआ उस रिसर्च को करने का। हो सकता है हमने किसी मार्केट में रिसर्च करी तो हमें मार्केट के साइज के बारे में पता चला, मार्केट्स की लाइक्स के बारे में पता चला, वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता चला, वहां के डिमांड के बारे में पता चला। मतलब इसमें देखते हैं कि हमने उस रिसर्च से क्या एक्सट्रैक्ट करा है, इसमें सिर्फ उसकी एक समरी होती है, एक कंक्लूजन होता है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद, रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या बेनिफिट हुआ। फिर बात आती है कि मेन बॉडी। मेन बॉडी में होता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च मेथड, मतलब आपने रिसर्च को करने के लिए किस मेथड्स का यूज किया है, मतलब आपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए फिर उसको एनालाइज करने के लिए किस तरह का, किस मेथड्स का, किस स्ट्रेटजी का यूज किया है। हो सकता है आपने सैंपलिंग को यूज किया है, तो हो सकता है आपने इंटरव्यू को यूज किया है, या फिर हो सकता है कि आपने किसी और मेथड का यूज किया हो, आपने सेकेंडरी डाटा का यूज किया हो, सेंसिस का यूज किया हो, तो उन सब के बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है। नेक्स्ट होता है मार्केट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आपने जहां पर अपनी रिसर्च करी है आपको उसके बारे में भी बताना होता है, क्योंकि जब आप कहीं पर इन्फॉर्मेशन रिसर्च करते हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन उस मार्केट की डिमांड को, उसके लॉस को और वहां के कह सकते हैं इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करती है। तो आपको वो भी बताना चाहिए कि आपने जिस मार्केट में रिसर्च करी है उस मार्केट का इन्फॉर्मेशन क्या है या उस मार्केट का बैकग्राउंड क्या है। फिर होता है कि नेचर ऑफ द मार्केट, मतलब उस मार्केट का नेचर क्या है, होमोजीनियस मार्केट है, हेटरोजीनियस मार्केट है, या कस्टमर बेस है या सेलर बेस है। नेक्स्ट होता है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो इसके अंदर होता है कि अब आपकी जो, आपने पूरी अपनी मार्केट रिसर्च कर ली है उसके बारे में आप देंगे कि आपको अब उस रिसर्च से क्या कंक्लूजन मिला है। क्योंकि अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक समरी दी थी हमने शॉर्ट में, लेकिन यहां पर हम उसका पूरा कंक्लूजन देंगे, पूरा रिकमेंडेशन देंगे। लास्ट पार्ट होता है हमारे रिपोर्ट का अप्रेंडिसिस। तो अप्रेंडिसिस कह सकते हैं कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, जो रिसोर्स था हमारे पास उसको यूज कर डाटा एनालाइज कर हमने एक शॉर्ट रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन अगर कोई चाहे कि उस रिपोर्ट में हमने जिन फैक्ट्स को, जिन इन्फॉर्मेशन को यूज कर रखा है उनको और ब्रीफ में पढ़ना चाहे, तो अप्रेंडिसिस में हम उन सोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, उन लिंक्स को प्रोवाइड करते हैं, उन मीडियम्स को बताते हैं कि हमने इस डाटा को कहां से कलेक्ट किया, किन मेथड्स का यूज किया और कौन से एडिशनल सोर्स थे जिनको एक्सट्रैक्ट कर हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है।
तो ये होते हैं आपके रिपोर्ट के फॉर्मेट। सबसे पहले आपका प्रीएम्बल होता है, फिर आपका समरी होती है आपकी रिपोर्ट की, फिर आपकी मेन बॉडी होती है, उसके बाद आपका अपेंडिसेस होता है। अब बात करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन की। तो जरूरी नहीं है कि हरदम आपको कह सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग कह दें या आपकी जो प्रेजेंटेशन हो रिपोर्ट के मीडियम से ही हो। कई बार आपको रिपोर्ट को पढ़कर या बिना तैयार करे रिपोर्ट को आपको अपने रिसर्च की ओरल प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है, देनी होती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू प्रेजेंट द स्टडी फाइंडिंग्स ओरली टू अ ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज यूजुअली इन एडिशन टू अ रिटन रिसर्च रिपोर्ट। नेचुरली इट इज ईजियर इफ द ओरल प्रेजेंटेशन फॉलो रिटन रिपोर्ट। बिफोर प्रिपेयर अ ओरल प्रेजेंटेशन ऑफन रिक्वायर्स एडिशनल वर्क एंड कॉल फॉर द डिफरेंट स्किल्स देन द राइटिंग रिपोर्ट। तो ओरल रिपोर्ट मतलब जब आप अपने डाटा को, अपनी रिसर्च को ओरल प्रेजेंट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के सामने, कह सकते हैं अपने मैनेजमेंट के सामने, अपने कस्टमर्स के सामने, तो वो होती है आपकी ओरल प्रेजेंटेशन। तो कह सकते हैं कि एडिशनल वर्क होता है रिपोर्ट को लिखने के बाद का। और अगर आपको जो प्रेजेंट करना है, जो आपकी ओरल प्रेजेंटेशन है, उसके लिए आपने अपनी रिपोर्ट को पहले से तैयार कर रखा है, रिटन फॉर्म में कर रखा है, तो वहां पर वो आपके लिए इजी हो जाता है कि अब आपको वहां पर उसी को सीधे कह सकते हैं समराइज करना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन अगर आपने अपनी रिपोर्ट को रिटन फॉर्म में तैयार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ओरल प्रेजेंटेशंस के लिए आपको एडिशनल वर्क करना पड़ता है, आपको एडिशनल स्किल्स की नीड होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज को दूसरों के सामने डिस्क्राइब करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कस्टमर के बारे में, अपने आपके सामने जो मेंबर्स बैठे हैं, जो लिसनर्स हैं, उन सभी के ऊपर फोकस करना होता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है, जिससे कि वो आपकी बातों को इजिली सुन सकें फोकस के साथ। तो बात करते हैं गाइडलाइंस टू डेवलप अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन। तो कौन सी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करकर हम एक अच्छी ओरल प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हैव अ हेल्थी थीम। हेल्थी थीम का मतलब आपका जो थीम हो, आपकी जो ओरल, आपने जो रिपोर्ट तैयार करी है, उसको बोलने के लिए आपका एक प्रेजेंटेशन होता है वो अच्छा हो। दूसरा होता है यूज विजुअल डिवाइसेस। विजुअल डिवाइसेस मतलब जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके आप वहां पर कह सकते हैं टीवीज का, प्रोजेक्टर्स का, ऑडियोज का, पिक्चर्स का, डायग्राम्स का, इनका यूज करें। क्योंकि जिन चीजों को कोई भी अगर कोई याद करना चाहता है, समझना चाहता है, तो आपकी रिपोर्ट से बेटर उस चीज को विजुअलाइज करके समझ सकता है, मतलब उस चीज को देखकर, चाहे वो आप उसे शॉर्ट मूवी दिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, क्या पिक्चर्स दिखा सकते हैं या डायग्राम्स दिखा सकते हैं, उनका यूज करें। नेक्स्ट होता है यूज एग्जांपल्स। तो मैक्सिमम एग्जांपल्स का यूज कर कंडीशंस को उनसे रिलेट कर उन्हें समझाएं अपनी रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट होता है यूज इलस्ट्रेशंस एंड एनालॉजीज। उन्हें मैक्सिमम सॉल्यूशंस को भी दिखाएं उनके सामने कि हम इस चीज को यूज कर किस तरह इससे अपना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। राइट इन हेडलाइन स्टाइल, मतलब आपकी जो रिपोर्ट हो, आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको एक हेडलाइन मेथड से बनाएं, क्योंकि जब आपको ओरल तैयार करनी है तो आपको पहले से ही उसे एक तैयार फॉर्मेट में रखना चाहिए अपने पास, जिसको आप इजीली डिस्क्राइब कर सके अपने लिसनर्स के सामने। नेक्स्ट था यूज फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेटिव डिवाइसेस। तो इसमें आप आपके जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका पॉइंटर होता है, उसका यूज करना चाहिए आपको अपने ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर। क्योंकि अगर आप चार्ट पे कोई चीज दिखा रहे हैं किसी को, इमेज दिखा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो जब तक आप पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे, लिसनर को एक्यूरेट समझ में नहीं आएगा कि आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट है यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, और आपके जो सेंटेंस हैं वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी लैंग्वेज सिंपल होगी, सेंटेंस छोटे होंगे, तभी वो इजिली समझ में आएंगे आपकी ऑडियंस को। नेक्स्ट है बी मैटर, अवॉइड यूजफुल ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आप अपना डाटा के बारे में बताइए, ना कि उसके बेनिफिट्स के बारे में। आपने रिसर्च करी है, आपको अभी पता है कि आपका डाटा क्या निकला है, आपका एक्सट्रैक्ट क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, लेकिन आप उसके बेनिफिट्स के बारे में ना बताएं वहां पर। तो ये होता है कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको यूज कर हम एक अच्छी ओरल प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। अब ओरल प्रेजेंटेशन आपकी दो तरीके से होती है, एक होती है फॉर्मल, दूसरी होती है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल से भी आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल की अगर हम बात करें, सॉरी यहां पर ये आपकी इनफॉर्मल आएगी ऊपर की, और आपकी नीचे की फॉर्मल होगी, ये आपकी फॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होगी, और ये आपकी होगी इनफॉर्मल। मतलब इनफॉर्मल में कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो नहीं करना होता स्ट्रिक्टली कि हाँ हमें किसी
मैनेजमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, या हमें यहाँ पर प्रेशर होगा हमारे ऊपर कि अगर हमने इसको अच्छे से नहीं कर पाए तो इसका हमारे करियर पर इफेक्ट होगा, या हमारी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब जो आपकी इनफॉर्मल होती है प्रेजेंटेशन, वो ऐसी होती है कि आप नॉर्मली बैठकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन के दौरान इस चीज को दूसरे को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई बैठ रखा है और आपके पास कोई डाटा है तो आप उस डाटा को किसी दूसरे को बता रहे हैं, तो वो होता है आपका ओरल फॉर्मल प्रेजेंटेशन। इसमें आपको कह सकते हैं कोई भी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनफॉर्मल होता है, कोई इसमें आपके लिए रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते, और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो रिसर्चर होते हैं वो आपकी समरी जो उनके पास कलेक्ट करी उन्होंने रिपोर्ट की उसको इजिली समझा सकेंगे ऑडियंस को या उनके सामने जो बैठा है, और अगर जो लिसनर है जो ऑडियंस है अगर वो जरूरत पड़ी तो उनसे पूछ लेंगे विदाउट एनी कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस। क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी मैनेजमेंट में हैं, तो हर चीज का वहां पर रूल होता है, रेगुलेशन होता है कि आपको किस तरह अपने क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, किस टाइम पे पुटअप करने हैं, किस तरह आपको अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, आपको खड़े होकर रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, आपको फॉर्मल में आना है। लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इसमें सिर्फ आपको अपनी रिपोर्ट के बारे में दूसरे को बताना होता है, ये होती है आपकी इनफॉर्मल। लेकिन अगर हम फॉर्मल की बात करें तो इट इज नॉट सो सिंपल, क्योंकि जब फॉर्मल आ गया तो यहाँ पर इसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ आ जाएंगे, तो वो होती है आपकी फॉर्मल रिपोर्ट। अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू मेक प्रिपरेशंस एंड ही हैज टू बी गुड कम्युनिकेटर सो एज टू हैंडल ऑल क्वेश्चन सम ऑफ विच बी वेरी डिफिकल्ट आस्क बाय द ऑडियंस। तो जब हम बात करते हैं फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशंस की, तो इसमें आपका जो कम्युनिकेटर होता है, आपका जो प्रेजेंटेटर होता है, उसे एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए जिससे जिसके थ्रू अपने ऑडियंस के, अपने कह सकते हैं लिसनर्स के सवालों के जवाब को इजीली दे सके, क्योंकि वो सवाल कई बार आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन द फॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन द रिसर्चर मेक हिज प्रेजेंटेशन टू अ फॉर्मल ऑडियंस टू कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी बट एम्फेसिंग द फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशंस। तो आपका जो फॉर्मल के लिए क्या होता है कि वो पहले से अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है, अपनी प्रैक्टिस करता है जिसके थ्रू अपने वो प्रेजेंटेशन को अपनी ऑडियंस के सामने रख सके, और वो अपनी रिसर्च के रिपोर्ट के अंदर से जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं स्टडी के, जो डाटा होते हैं, उन सभी को कलेक्ट कर कस्टमर के कह सकते हैं ऑडियंस के सामने उन चीजों को कह सकते हैं प्रेजेंट करता है। इसमें तो रिसर्च होता है आपका, जो आपका ऑडियंस होते हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं है आपसे तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि आपकी ऑडियंस आपसे जो क्वेश्चन पूछे आपको उन क्वेश्चंस को इजिली हैंडल करना होता है, किस तरह आप उनको हैंडल करेंगे इस चीज को भी आपको समझना होता है, इस चीज से रिलेटेड भी आपको स्किल्स डेवलप करनी होती है। तो कह सकते हैं आपका जो इनफॉर्मल ओरल प्रेजेंटेशन होता है वो इजी होता है, और अगर हम फॉर्मल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होती है किसी भी आपके प्रेजेंटेटर के लिए। तो बात करते हैं जब हम अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं फॉर्मल वे में तो कुछ चीजों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम पॉइंट्स कंसर्न बिफोर प्रेजेंटेशन। तो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है प्रेजेंटेशन से पहले, कि हम जिनके सामने अपने डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑडियंस कौन है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसकी रैंक क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जिस तरह हम उनसे बात करेंगे, अपने डाटा को पब्लिश करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उनके सामने, हमें पता होना चाहिए कि वो किस लेवल के हैं, क्योंकि आप पर्सन के नॉलेज के हिसाब से, उसके रैंक के हिसाब से ही डाटा को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है आपके सामने जो ऑडियंस है आपके वो वर्क टीम हो आपके, या नीचे जो मैनेजमेंट सिर्फ कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के लेबर्स होते हैं वो हो। तो अगर आप उनके सामने कोई रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो आप अलग मेथड से करेंगे। लेकिन आप अभी उसी रिपोर्ट को अपने सीनियर मैनेजमेंट लेवल के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अलग मेथड से यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है, और उनकी रैंक क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा देखना चाहिए आपको कि आपके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए। मतलब आपके पास ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल है, मतलब आपके पिक्चर्स हैं, आपके पास प्रोजेक्टर्स हैं, या आपके पास वीडियोस हैं। ये सब आपको देखना होता है कि आप उस प्रेजेंटेशन में जिन चीजों का यूज करेंगे वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर होता है कि विच ऑफ द एड शुड बी सिलेक्टेड फॉर प्रेजेंटेशन।
तो अब इसमें देखते हैं कि हम उनमें से किस एड को यूज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। हो सकता है हम प्रोजेक्टर्स का यूज कर रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो हो सकता है हम चार्ट का यूज कर रहे हो या फिर किसी ग्राफ का यूज कर रहे हो। तो हमें यह भी सिलेक्ट करना होता है कि अपनी प्रेजेंटेशन को हम किस मेथड का यूज कर किस एड को यूज कर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट होता है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी आस्क्ड बाय द ऑडियंस। तो हमें एक तरह से एक शॉर्ट समरी हमें पता होती है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डेवलप कर लेते हैं पहले से ही। हमें पता होता है कि मैक्सिमम ऑडियंस क्या पूछ सकती है, क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको पता है कि कोई इस रिपोर्ट में मैक्सिमम आपसे क्या पूछ सकता है। तो आप उन क्वेश्चंस को पहले शॉर्ट कर लेते हैं और उनके बारे में पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। तो ये होता है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे पहले आपको इन पॉइंट्स का कंसर्न करना चाहिए। तो बात करते हैं चेकलिस्ट फॉर ओरल प्रेजेंटेशंस की। तो जब हम ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं क्या वो वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है, मतलब आपके जो लाइट्स हैं, आपके माइक्रोफोन्स हैं, आपके प्रोजेक्टर्स हैं या आपके विजुअल एड्स हैं, आपके पास वो है या नहीं है। फिर दूसरा देखते हम कि हैव अ कंटिंजेंसी प्लान फॉर इक्विपमेंट फेलियर एंड फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मतलब अगर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं किसी कंडीशन में फेल हो जाएं तो उसके बाद आपके पास दूसरा प्लान क्या होगा अपने डाटा को प्रेजेंट करने का। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते वहां पर कि अगर लाइट चली गई तो मैं अपने डाटा को कल प्रेजेंट करूंगा या इसको मैं लाइट आने के बाद प्रेजेंट करूंगा। तो उसके पास आपके पास वहां पर एक सब्स्टिट्यूट प्लान होना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन को करने के लिए। नेक्स्ट होता है एनालाइज द ऑडियंस। अब इसके अंदर आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना होता है कि आपकी ऑडियंस किस ग्रुप से है, उनका कह सकते हैं डेजिग्नेशन क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, उसके बेस पर ही हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा रिहर्सल द प्रेजेंटेशन। तो इसमें होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को देने से पहले उसके बारे में एक रिहर्सल करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं कि जिसके थ्रू आप कस्टमर के आगे या कह सकते हैं ऑडियंस के सामने जाने से पहले उस प्रेजेंटेशन को एक बार खुद पढ़ लेते हैं, एक बार खुद ही अपने बारे में रिहर्सल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं आप। तो ये होता है कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो उस टाइम आपको क्या क्या देखना होता है। अब बात करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उस टाइम के बीच में हमें किन चीजों को ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमें जो हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी होती है वो ओवरव्यू होना चाहिए हमारी प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले हमें अपने यही बताना होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों किया, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला या इसका हमारा क्या पर्सपेक्टिव था। सबसे पहला पॉइंट आपका कि आप स्टार्टिंग अपने प्रोजेक्ट के ओवरव्यू के बारे में उसे बताएं, क्योंकि अगर कस्टमर को आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू नहीं पता होगा तो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन ओवरव्यू जानने के बाद वो इंटरेस्ट लेते हैं कि अब इस ओवरव्यू में वो एक एक पॉइंट को समझना चाहेंगे कि किस तरह हमने उस रिसर्च को कंप्लीट किया। नेक्स्ट होता है फेस टू ऑडियंस एंड ऑल द टाइम। मतलब आपका जो फेस इंटरेक्शन होता है, आइज इंटरेक्शन होता है ऑडियंस से, वो कंटिन्यू होना चाहिए आपकी पूरी प्रेजेंटेशन के टाइम पे। नेक्स्ट है आपके जो विजुअल एड्स थे आप उनको इफेक्टिवली यूज करें, चाहे आप प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे थे, डायग्राम्स यूज कर रहे थे, फोटोज यूज कर रहे थे, उन चीज का मैक्सिमम यूज करें, इफेक्टिवली यूज करें अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग मैनर्स प्रेजेंटेशन। आप इस तरह प्रेजेंट करें, मतलब ये नहीं है कि आप किसी फॉर्म में खड़े हैं, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, आपकी जो मूवमेंट है वो अच्छी ना हो या वो एक कह सकते हैं प्लीसेंट मैनर ना हो जिस तरह की वो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपको एक फॉर्मल वे में अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपकी जो बॉडी होती है वो भी एक कह सकते हैं परफेक्ट मैनर में होनी चाहिए जिस तरह की वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट होना चाहिए रिमेंबर टू आस्क ऑडियंस वेदर दे हैव क्वेश्चंस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस एंड आफ्टर प्रेजेंटेशंस कंक्लूडेड। तो मतलब आप ऑडियंस से अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में भी क्वेश्चन पूछते रहिए, क्या उन्हें कोई क्वेश्चंस है आपके डाउट में, आपने रिसर्च करी है, और आपकी जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आप अपने ऑडियंस से क्वेश्चंस पुट अप करिए। क्योंकि जब आप उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पुट अप करते हैं ऑडियंस से तो वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट होता है यूज सिंपल लैंग्वेज। आप अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, क्योंकि जितनी लैंग्वेज आपकी सिंपल होगी उतनी ज्यादा ही वो ऑडियंस को समझ में आएगी और उन्हें अपने से कनेक्ट कर पाएगी। नेक्स्ट है ट्राई टू कंसंट्रेट आ स्ट्रॉन्ग एरियाज ऑफ रिपोर्ट। और आप कोशिश करिए कि आपके जो रिपोर्ट के स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, मेन फोकस आपने रिपोर्ट पे जिन चीजों पे किया था उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा दिखाने की, उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके टाइम। अब बात करते हैं कि जब हम अपनी
रिपोर्ट देते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करें, या जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उनको हम किस तरह जवाब दें। तो सबसे पहला होता है कि कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस, डोंट थिंक अबाउट द आंसर अंटिल द स्पीकर हैज कंप्लीटेड हिज और हर क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग द रिपोर्ट, तो आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरी तरह सुनना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए उस क्वेश्चन के ऊपर। जब तक आपका स्पीकर क्वेश्चन बंद ना करे अपना करना, या उसका क्वेश्चन खत्म ना हो, तब तक आपको अपने माइंड में ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि हो सकता है आधे क्वेश्चन के बेस पर आंसर कुछ हो, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो उसका आंसर चेंज हो जाए। नेक्स्ट होता है रिपीट द क्वेश्चन इफ इट इज कॉम्प्लिकेटेड और अनक्लियर। क्वेश्चन को रिपीट करिए अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो और अनक्लियर हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आप रिपीट करते हैं तो उस क्वेश्चन को पूरी ऑडियंस भी सुन लेती है, और आपको रिपीट करने के टाइम के बीच में आपको टाइम मिल जाता है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पता करने का, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को निकालने का। नेक्स्ट, आंसर क्वेश्चंस ब्रीफली एंड सपोर्ट योर क्वेश्चंस विद एविडेंस। आप जिन क्वेश्चंस की रिप्लाई देते हैं, आंसर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उनको आप किस तरह सपोर्ट करेंगे अपने एविडेंस के साथ, क्योंकि अगर आपने कोई आंसर दिया है वहां पर, तो आप उसे प्रूफ करिए, उसको सपोर्ट में कुछ ना कुछ एविडेंस दिखाइए, जिससे कि आपके जो ऑडियंस है सेटिस्फाई फील करें। और नेक्स्ट होता है डू नॉट आर्गूमेंट विद ऑडियंस, और आपकी जो ऑडियंस होती है उसके साथ आपको आर्गूमेंट नहीं करना होता। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह डाटा को एनालाइज करते हैं, किस तरह क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरह टैबुलेशन करते हैं, और किस तरह उस डाटा को हम रिपोर्ट राइटिंग के बाद ओरल प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, आपकी नेक्स्ट बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।